आगे और आपको बता दें कि रीट पर बीजेपी के प्रदर्शन के बाद वार प्रहार का दौर जारी है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि बेरोजगारों को नौकरियां नहीं मिले, इसके लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। कांग्रेस अधिवेशन के जरिए बीजेपी के आंदोलन के खिलाफ संगठन को सक्रिय करेगी। रीट पेपर लीक मामले में भाजपा के प्रदर्शन पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ये 3 साल में कोई भी माहौल सरकार के खिलाफ नहीं बना पाए हैं, इसके लिए इस मुद्दे को मुद्दा नहीं होने पर भी मुद्दा बना रहे हैं। बेरोजगारों को नौकरियां ना मिलें, इसका षड्यंत्र किया जा रहा है। इनका कृत्य निंदनीय है। एसओजी जांच कर रही है, उसका नतीजा आने दीजिए। अगर उसमें कोई कमी रहती है तो बताइए। डोटासरा ने कहा कि 50,000 लोग जुटाने का दावा करने वाले 2,000 लोग भी इकट्ठा नहीं कर पाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास में प्रदेश में 3 साल में कोई मुद्दा सरकार के खिलाफ वो नहीं बना पाए और न उनको कोई मुद्दा मिला। ये एक मुद्दा, जो मुद्दा नहीं होके भी उसको मुद्दा बना करके जिस प्रकार का षड्यंत्र उन बेरोजगारों को नौकरी देने नहीं देने का जो किया जा रहा है, मैं समझता हूँ ये इनका जो कृत्य है वो निंदनीय है। जब आप राजस्थान की विधानसभा के अंदर किसी मुद्दे के ऊपर चर्चा कर चुके, राजस्थान के उच्च न्यायालय में कोई चीज़ कोर्ट में विचाराधीन है, आपने खूब जितना सोशल मीडिया विधानसभा सब जगह बोल लिया आप, अब एसओजी जांच कर रही है, उसका नतीजा आने दीजिए और उसमें कोई कमी खामी लगे तो तब बताइए। डोटासरा ने कहा कि लोग इनके कारनामों को देख रहे हैं। विधानसभा में पहली बार प्रश्नकाल स्थगित कर विपक्ष के मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि विधानसभा में चर्चा हो गई, कोर्ट में रिट हो गई, धरना प्रदर्शन भी कर लिया, अब लोगों को कैसे सरकार राहत दे सके उसकी बात विपक्ष को करनी चाहिए। लेकिन जब मुद्दे नहीं होते तो नॉन इश्यू को इश्यू बनाया जाता है। लेकिन इनको तो नॉन इश्यू को इश्यू बना करके और केवल ये बताना है कि हमारी एग्जिस्टेंस है राजस्थान में। आप देखिए कल का फ्लोप शो, बुलाए 1,50,000 तक का वादा कर रहे थे और 2,000 लोग इकट्ठे नहीं हो पाए, तो आप समझ सकते हो कि जनता इनके साथ में नहीं है। जो बेरोजगार नौकरी चाहते हैं प्रदेश में वो सरकार के साथ में है, इनके साथ में नहीं है। इनकी बात के ऊपर कल उन 20.5 लाख में से 100 बच्चे भी नहीं आए। डोटासरा ने कहा कि माना जा रहा है कि बीजेपी इस मुद्दे पर आगे भी हमलावर रहेगी, लिहाजा कांग्रेस पार्टी अधिवेशन बुलाकर संगठन के नेताओं को मजबूत करने में जुटी है। बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि बच्चे मारे मारे घूम रहे हैं। हमारी सरकार नौकरियां देना चाह रही है लेकिन उनके नेता इसमें अड़ंगा लगाने में जुटे हैं। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए चुनाव जीतना इनका मकसद है। इन सब मुद्दों पर हम लोग अधिवेशन में चर्चा करेंगे, साथ ही आगामी बजट को लेकर भी चर्चा करेंगे। हमारी ओर से प्रस्ताव पारित कर सरकार को भेजा जाएगा। आज बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि बच्चे पढ़े लिखे मारे मारे घूम रहे हैं, उनको केंद्र की सरकार कोई नौकरी नहीं दे रही है। स्टेट गवर्नमेंटें जहाँ नौकरी देना चाहती हैं वहाँ केंद्र सरकारें और उनके नेता अड़ंगे लगाने में लगे हुए हैं। महंगाई बेकाबू हो रही है, आम व्यक्ति का जीना दूभर हो गया है, लेकिन इन चीज़ों से मोदी जी और मोदी जी की सरकार को कोई वास्ता नहीं है। वो केवल मात्र चुनाव जीतना, साम दाम दंड भेज, जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके, तो इन सब मुद्दों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। आने वाला बजट है उसके ऊपर भी हम 19 तारीख को सभी लोगों से चर्चा करेंगे कि हमारी सरकार किस प्रकार से आम जन के लिए, उसकी खुशहाली के लिए, उसके आगे बढ़े, वो तरक्की करे, इसके लिए शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सोशल सिक्योरिटी सभी क्षेत्रों में किस प्रकार से वो काम करे, इस बात का एक रोड मैप हमारे द्वारा प्रस्ताव पारित करके अधिवेशन में और मुख्यमंत्री जी को दिया जाए। बहरहाल रीट मामले पर सियासत चरम पर है। कांग्रेस को अंदाजा है कि बीजेपी इस मुद्दे को गांव-गांव तक लेकर जाएगी। इसका काउंटर करने के लिए कांग्रेस भी तरकश में जवाबी तीर डाल रही है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से योगेश शर्मा की रिपोर्ट।